आज मैं गिलकी की मसालेदार सब्जी बनाने जा रही हूँ। ये सब्जी समर और रेनी सीजन में मिलती है। अब बारिश का मौसम है तो चलिए इस बारिश में मसालेदार गिलकी की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। इसमें विटामिन सी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1/2 किलो एकदम हरी भरी ताजी गिलकी को अच्छे से धोकर छिलका निकाल लिया। ताजी गिलकी से सब्जी बढ़िया स्वादिष्ट बनते हैं। गिलकी को आगे पीछे से कट लगाएंगे और इसी तरह कट कर एक बाउल में रखना है। गिलकी को इस तरह से चीरा लगाना है ताकि इसके अंदर तक मसाला भर जाए। प्लीज़ आप वीडियो देखने के बाद लाइक कर देना। हमारा गिलकी कटकर हो गया है। फिर एक मीडियम साइज का आलू छिलका निकाल कर धो लिया और आठ बराबर साइज में कट लिया। अब इसमें 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून सरसों का तेल डालकर गिलकी में सभी मसाले अच्छे से हल्के हाथों से 1-2 मिनट तक मिला लेती हूँ और ढक्कन लगाकर 10 से 15 मिनट साइड करके रख देती हूँ। इसी 10-15 मिनट में अब एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। मैंने मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है। गरम तेल में जीरा डालेंगे, एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा, 2 इलायची, 2 लौंग, 10 से 12 काली मिर्च और 1 तेज़पत्ता डालकर थोड़ी देर धीमी आंच पर भून लेंगे। इन सारे गरम मसाले को थोड़ी देर फ्राई करेंगे, कम से कम 30 से 40 सेकेंड के लिए, या फिर जब तक इसमें से आपको अच्छी सी खुशबू आना ना स्टार्ट हो जाए। अब इसमें डालते हैं 2 बड़े साइज का किसा हुआ प्याज। आप प्याज को फाइन चॉप करके भी ले सकते हैं। प्याज को डालने के बाद गैस को मीडियम फ्लेम पर कर लेना है और लगातार चलाते हुए सुनहरा होने तक भून लेंगे। नमस्ते, मैं वंदना फूड एंड फायर चैनल से। फिर 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसको भी लगातार चलाते हुए 1 मिनट तक भूनना है। अब इसमें से बढ़िया सा खुशबू आने लगा है और कलर भी चेंज होने लगा है। अब हमें टमाटर का प्यूरी डालना है। मैंने 2-3 टमाटर का प्यूरी बनाकर रख दिया था। इसके साथ साथ 1 टीस्पून नमक डालना है। अगर आपको तीखा पसंद है तो इसी स्टेज पर आप लाल मिर्च पाउडर 2-3 टीस्पून डाल सकते हैं। मैं ज़्यादा तीखा पसंद नहीं करती, तो पहले जो गिलकी में मिर्च पाउडर मिलाया था उसी से ही हो जाएगी। यह तब तक पकाना है जब तक इसमें से तेल नहीं निकल जाए। हमारा मसाला बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया है। मैंने धीमी आंच पर मसाला तैयार किया है। अब इसमें नमक हल्दी मिक्स करके रखी हुई गिलकी और आलू डाल देती हूँ और मसाले के साथ बढ़िया से मिला देती हूँ। इस तरह मसाले के साथ गिलकी को 2-3 मिनट सोटे कर लेंगे ताकि गिलकी मसालों के साथ अच्छे से मिल जाए और भुन जाए। गिलकी को ब्लड प्योरीफायर माना जाता है। ये बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकालती है जिससे स्किन में निखार आता है। फिर लगभग 2-2.5 ग्लास पानी मिलाकर 2 से 3 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर रख देंगे। यहाँ पर मैंने मूंगफली को पहले से ही रोस्ट करके रख लिया था। अब इसका पेस्ट बना लेती हूँ। 2-3 मिनट बाद ढक्कन हटाकर देखते हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है। अब धीरे धीरे सब्जी को हिला देते हैं, बट हमारा सब्जी अभी पका नहीं है, इसलिए फिर से 2-3 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर रख देंगे। 2-3 मिनट बाद हमारा मसालेदार गिलकी की सब्जी 80% तक हो चुके हैं। अब हम इसमें 1 से 1.5 टेबल स्पून मूंगफली का पेस्ट मिला देंगे। मैंने थोड़ा पतला पेस्ट बनाया था। अगर आप इस तरह मूंगफली को भूनकर पेस्ट बनाकर रखते हैं और मसालेदार सब्जी में थोड़ा सा पेस्ट मिला देते हैं तो सब्जी का स्वाद 2 गुना बढ़ जाता है। पेस्ट मिलाने के बाद सब्जी में गाढ़ापन आ जाता है और 1 से 2 मिनट 100% पकने के लिए रख देते हैं। अब हमारा स्वादिष्ट मसालेदार गिलकी की सब्जी लगभग हो गई है। सब्जी भी अच्छे से पक गई है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक करना ना भूलें
और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर इस सब्जी में बारीक कटे हुए हरे धनिए डालकर मिला देंगे और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। चलिए फटाफट से एक सर्विंग प्लेट में सब्जी को निकाल लेते हैं। अब इसको रोटी पराठे राइस के साथ परोसिए और मसालेदार गिल की सब्जी का आनंद लीजिए और बारीक कटे हरे धनिए से गार्निश कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।